प्रिय वास्तु प्रेमियों, हंसता हुआ वास्तुशास्त्र शिल्प कला पर सो कुंडलिया नामक पुस्तक के अंतर्गत हमने पहले देव वंदनाओं की श्रृंखलाओं का समग्र ज्ञान प्राप्त किया। उसमें कितनी कविताएं और कितने काव्य इसमें हैं, उसको क्रमशः एक एक करके हमने उसका सामान्य परिचय समझा है। इसी श्रृंखला में अब हमारा जो दूसरा इसका जो पाठ प्रारंभ होता है इसी पुस्तक का, वो है भूमि के प्रकार। भूमि कितने प्रकार की होती है, उसके कितने प्रकार के उसके रंग उसमें प्रमुख होते हैं, उसके ऊपर कुछ काव्य रचना की गई है जिसको हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आज हम सबसे पहली जो इस श्रृंखला में पहले प्रकार की भूमि है वो सफ़ेद रंग की मिट्टी, वो किस रूप में अधिक सार्थक सिद्ध होती है, देखिए ये एक छोटा सा कुंडली काव्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। विद्याधन इसका शीर्षक है। श्वेत वर्ण है ब्राह्मणी, क्षत्राणी है लाल, पीली धरा महाजनी, काली समझो काल, काली समझो काल, दे मदिरा जैसी गंध, इसका कड़वा स्वाद करे ना कोई पसंद, के वाणी कविराज विद्याधन फूले फले, बने कई कालेज श्रेष्ठ भू श्वेत वर्ण है। यानी कि श्वेत वर्ण की यानी सफ़ेद कलर की जो मिट्टी होती है, अगर किसी भूखंड पर सफ़ेद मिट्टी की मात्रा, सफ़ेद कलर की मिट्टी वहाँ सर्वाधिक मात्रा में है, उस भूमि को ब्राह्मणी कहा जाता है। कहीं ऐसी मिट्टी भी आपको देखने को मिल सकती है जिसका लाल रंग हो, तो लाल रंग वाली मिट्टी होती है उसे क्षत्राणी कहा जाता है। इसी प्रकार कहीं पीले रंग की मिट्टी जहाँ अधिक होती है उसका मेरा मतलब यहाँ उसके नेचुरल कलर से है, जो हम उसको गहराई तक खोदें तब भी वही मिट्टी निकले, उस प्रकार की मानसिकता से मेरा संदर्भ है। पीली धरा महाजनी, पीले रंग की जो मिट्टी होती है उस भूमि को महाजनी भूमि कहा जाता है, और काली समझो काल, और काले रंग की श्याम वर्णी मिट्टी होती है वो केवल और केवल खेती के काम के लिए श्रेष्ठ होती है, या बस बिल्कुल साधारण से कार्यों के लिए उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन कोई भव्य इमारत बनाने के लिए, ठोस निर्माण के लिए काली रंग की मिट्टी को त्यागना चाहिए। काली समझो काल, दे मदिरा जैसी गंध, हम गंध के आधार पर भी हम मिट्टी को पहचानने में सफल हो सकते हैं। जो काले रंग की मिट्टी होती है उसकी जो गंध होती है वो मदिरा जैसी होती है, और अगर हम उसको जीवा के ऊपर रखेंगे तो वो हमें कुछ कड़वी लगेगी, हमें वो कड़वी प्रतीत होगी, इसका कड़वा स्वाद करे ना कोई पसंद। इस मिट्टी को, इस भूखंड को अद्वितीय जन ज्ञानी जन इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि इस पर अच्छे भव्य इमारतें इस पर नहीं बनाई जाती है, उसके लिए मिट्टी का ठोस होना ज़रूरी है। यह काले रंग की मिट्टी होती है, इसमें लचक होती है, हम जैसे इसके ऊपर बहुमंजिल इमारत बनाएंगे तो ये मिट्टी जो है थोड़ी सी पिचक जाती है और बिल्डिंगों में क्रेक आ जाते हैं। कह वाणी कविराज विद्याधन फूले फले, वाणी कविराज कहते हैं कि विद्याधन को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें उसको कॉलेज बनाना है, कहीं यूनिवर्सिटी बनानी है, कहीं स्कूल बनाना है, कहीं कोचिंग सेंटर बनाना है, तो ऐसे हम एकेडमिक कार्यों के लिए हमें श्वेत वर्ण की मिट्टी का चयन करना चाहिए, और ये इमारतें वहाँ बनेगी तो हमारे को कई प्रकार से लाभ देती रहेगी, बच्चों को सफलता मिलेगी, और ये जो इंस्टीट्यूट है वो भी आगे से आगे प्रगतिशील रहेगा, वहाँ पर किसी प्रकार के इतने विवाद नहीं होंगे, और विद्यार्थी और टीचर्स सभी जो है एक संतुष्टि का अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो बने कहीं कॉलेज श्रेष्ठ भू श्वेत वर्ण है, यदि कहीं कॉलेज बनना है, स्कूल बनना है तो सफ़ेद रंग की मिट्टी का ही हमें उपयोग करना चाहिए। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा, कई मान लो को परिस्थिति ऐसी बन रही है कि हमें निर्माण कार्य तो यही करना है लेकिन मिट्टी का कलर उस लेवल का नहीं है जो हम चाह रहे हैं, जो
रंग हम चाहते वो रंग नहीं बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें ऊपर के सतह पर कुछ सफ़ेद मिट्टी जहाँ भी आसपास उपलब्ध हो उसको उस पर बिछाना चाहिए, ताकि थोड़ा सा उसका प्रभाव उसमें मिश्रित हो जाए। तो इस प्रकार हम थोड़ा सा कृत्रिम प्रयासों से भी हम अपने कुछ लक्ष्य को कुछ हद तक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका कुदरती कलर, नेचुरल कलर अगर वाइट है, सफ़ेद है, तब तो उस मिट्टी की बात ही अलग है। तो हमें इस प्रकार की सावधानी रखते हुए निर्माण कार्य के प्रारंभ में ही ये ऐसे ठोस निर्णय लेने चाहिए। धन्यवाद।